La Montessori chain of schools, schools run by educationists. कीरतपुर से मनाली तक लोगों की सुविधा के लिए फोर लेन का निर्माण किया जा रहा है। अधिकतर फोर लेन का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है और वहां पर ट्रैफिक भी शुरू कर दिया गया है। मंडी जिला में हड़ोगी पुल से लेकर थलौट तक अब सारा ट्रैफिक फोर लेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनलों से होकर गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पुराना नेशनल हाईवे है उसकी दशा सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हड़ोगी पुल से लेकर द्वारा और उससे आगे तक पुराना हाईवे गत बरसात में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आलम यह है कि यहाँ पैदल चढ़ने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। हड़ोगी माता मंदिर के लिए भी यही रास्ता जाता है और इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद अब कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा है। अब तक दुखद जैसी स्थिति, दुख की स्थिति है कि बरसात के बाद यहाँ सारा तहस नहस हो गया है। हड़ोगी मंदिर एक बार जो कि हमारे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र रहा है, ये भी खंडहर के रूप में पड़ा है और अभी तक यहाँ का जो NH-21 है उसके स्लिप तक नहीं हटाए गए हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि NH-20 इसको कौन रिस्टोर करेगा, इसकी कौन देख रेख करेगा, जबकि यहाँ हड़ोगी से लेकर द्वाडे तक का जो NH है वो पूरी तरह टूट चुका है और इसके बाहर से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि खाली आदमियों को भी जाने के लिए यहाँ सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं, पूरी पंचायत प्रतिनिधि और दोनों तरफ की जनता ये चाहती है कि अतिशीघ्र इसके बारे में चिंतन किया जाए। पंचायतों ने कई बार यहाँ से प्रस्ताव दिए, जिलाधीश के माध्यम से, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों को दिए, दूसरे लोगों को भी दिए, लेकिन अभी तक कोई उसका प्रति उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई भरोसा है कि इस पर कुछ होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पर पुनः चिंतन किया जाए। जो पीछे बीते जुलाई से जो बरसात, भारी बरसात आई थी, उसमें हमारा NH-21 पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इसकी अभी तक कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। हमें बहुत स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो भी यहाँ से जो सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खोला हुआ है रोड, और लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पत्थर रोड पे गिरे होते हैं, स्थानीय निवासी उसको खुद उठवाते हैं और सर प्रशासन बिल्कुल इसकी सुध नहीं ले रहा है। और रही बात जो रास्ते हमारे कच्चे हैं गाँव के, उन रास्तों को भी जो है स्लाइड की वजह, इस काम की फोर लाइन के काम की वजह से वो भी टूटे हुए हैं। उसकी भी कोई ना कोई भी उस पर जो है गौर नहीं कर रहा है। तो हाँ जी, हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे रोड है, जो हमारी व्यवस्था है द्वाड़े वाला रोड, उसको भी चालू किया जाए, और इधर से जो हमारी हड़ोगी मंडी वाले रोड है उसमें भी हमें ये बताया जा रहा है कि NH की जो इन्होंने काम किया कि यहाँ पे जो हमारी पासिंग थी वो भी उसे उन्होंने बंद कर देनी है। तो कृपया ऐसा ना करें, इससे आम लोगों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर करें और स्थानीय लोगों की दिक्कतों का जो है जल्द से जल्द किया जाए, ताकि दिक्कतें ना, हमें दिक्कतों का जो सामना ना करना पड़े। जो पंचायत जो के लोग हैं जो यहाँ पर रेंस नाला, जो हमारा स्टेशन पड़ता है वहाँ पर, जो NHAI द्वारा जो काम किया है उस पर ना यहाँ पर हमारे लिए ना आने जाने की व्यवस्था रखी है और ना उतने की सुविधा दी है ना, और आम लोगों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। हम इसके लिए भी विनम्र निवेदन करते हैं, NHAI या शाहपुर जो भी काम करे यहाँ के लिए हमारी इस दिक्कत का इसका समाधान करे। और यहाँ जो हमारे गांव रेंस, गांव बाता, कम से कम 3 पंचायतें हमारी, बटवाड़ी, ज्वालापुर, रेंस, साथ लग दीबा आंधी पंचायतें, सब की यही से आना जाना होता था। आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है। मां हड़ोगी माता का मंदिर है, वहां भी बिल्कुल आना जाना सुनसान है। जो हमारा आना जाना का रोड है वो भी स्लिपों से भरी है, इस पे भी कोई गौर नहीं कर रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से बालकराम की रिपोर्ट। Based off of Pirates of the Caribbean and the girls worked hard on their day.